नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रबंधन गुरु यूट्यूब चैनल पे सिंप्लीफाइंग मैनेजमेंट एजुकेशन। दोस्तों आज हम अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो कि है सेल्स एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। बेसिकली कोई भी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स पर्सनल होते हैं, जो सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कंपनी की ओवरऑल सेल्स स्ट्रेटजी होती है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उनकी प्लानिंग करते हैं और कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको मार्केट में बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा हर सेल्स प्रोफेशनल से ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसके पास कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ हों, क्योंकि अगर उनके पास वो क्वालिटीज़ होंगी तभी वो एक बेहतर सेल्स प्रोफेशनल बनेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट की तरह बने रहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन सी इफेक्टिव क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पेशेंस की। ए सेल्स प्रोफेशनल नीड टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट, यू जस्ट कांट अफोर्ड टू बी रूड टू योर कस्टमर। आपको बहुत ही पोलाइट होना होगा अपने कस्टमर से बात करते समय। जब आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके साथ खराब व्यवहार या गलत ढंग से या ऊंची आवाज में उसके साथ आप बात नहीं कर सकते। क्लाइंट डू नीड टाइम टू बिलीव इन यू एंड ट्रस्ट योर प्रोडक्ट। हर ग्राहक को थोड़ा सा समय चाहिए कि वो आपके ऊपर अपना विश्वास डेवलप कर सके, विश्वास बना सके आपके प्रोडक्ट के बारे में। डोंट गेट हाइपर एंड मेक द क्लाइंट लाइफ हेल। बहुत ज़्यादा अपने कस्टमर के पीछे आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर इससे इस तरीके से आप उसको अप्रोच करेंगे तो कस्टमर इरिटेट होगा और कभी भी आपके लिए एक बेहतर क्लाइंट के तौर पे वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। गिव हिम टाइम टू थिंक एंड डिसाइड। अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को आपको एक टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए ताकि वो अपने बाइंग डिसीजन को फाइनलाइज कर सके। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वालिटी की बात करता हूँ तो वो आता है पीपल ओरिएंटेड। इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सेल्स प्रोफेशनल टू बी कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अपने कस्टमर को फोकस करना होगा, उसकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी बातें कहनी होगी, यानी कि यू हैव टू प्रेफरेंस योर कस्टमर। अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशन, डोंट सिंपली इम्पोज थिंग्स ऑन हिम। आपको उसकी ज़रूरतें, उसकी उम्मीदों को समझना होगा, आप उसके ऊपर अपनी बातों को इम्पोज नहीं कर सकते। डोंट ओनली थिंक अबाउट योर ओन टारगेट्स एंड सेल्फिश इंटरेस्ट। आपको सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं सोचनी चाहिए, आपको अपने टारगेट के बारे में सिर्फ नहीं सोचना चाहिए। वन शुड नेवर मिसगाइड द कस्टमर, बी ऑनेस्ट विद देम, अवॉइड टेलिंग लाइज एंड क्रिएटिंग फेक स्टोरीज। आपको ईमानदार होना चाहिए अपने कस्टमर के साथ, उसको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, गलत तरीके से गाइड नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ताकि आप उसको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें बताएंगे, तभी कस्टमर आपके ऊपर अपना ट्रस्ट डेवलप कर पाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं वो है एग्रेसिव। एग्रेसिव का यहाँ पर मतलब पॉजिटिव वे में। इस सेल्स प्रोफेशनल नीड टू बी एग्रेसिव एंड एनर्जेटिक। हमेशा से उम्मीद की जाती है एक सेल्स प्रोफेशनल को एग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए। जैसे कि क्लाइंट ने अगर उसको कॉल किया कि आप विद इन 30 मिनट्स आप मुझे इस लोकेशन पर मिलें, अगर आप एनर्जेटिक हैं, एग्रेसिव अप्रोच है, तब आप वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि कमिटमेंट है आपके अंदर अपने टास्क को लेकर, अपनी जॉब ड्यूटीज़ को लेकर। अगर आप लेजी हैं तो आप कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, क्लाइंट से बात नहीं करेंगे। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आप कभी भी एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल नहीं बन सकते। नेक्स्ट अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूँ वो है गो गेटर एटीट्यूड। सेल्स प्रोफेशनल नीड टू हैव ए गो गेटर एटीट्यूड फॉर द बेस्ट रिजल्ट। एक सेल्स प्रोफेशनल को हमेशा ये एटीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए कि जब वो जाएगा तो अपनी लोकेशन पर पहुँचेगा या क्लाइंट के पास जो जाएगा, इंटरेक्ट करेगा, तो कोशिश उसकी हमेशा पॉजिटिव आउटलुक की रहती है कि वो एक पॉजिटिव रिजल्ट लेगा। बट इट इज़ नॉट रियली नेसेसरी दैट ऑल कस्टमर वुड लाइक और नीड योर प्रोडक्ट। डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट एवरी टाइम। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर समय जो आपके क्लाइंट हैं हर डील में आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करें, हमेशा आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिले। रिमेंबर, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। वन मस्ट लर्न फ्रॉम द प्रीवियस मिस्टेक एंड मूव ऑन। डोंट टेक फेल्योर्स टू हर्ट। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेल्स कॉल की, वहाँ पर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट आपने सीखा, मतलब कि कुछ गलतियाँ हुई जहाँ से आपने इम्प्रूवमेंट किया अपनी नेक्स्ट कॉल में,
और उससे क्या होगी, वो आपकी जो सेल्स की पिच होगी और बेहतर होगी। तो आपको गलतियों से सीखना ताकि नेक्स्ट कॉल में आप और बेहतर कर सकें। लेकिन किसी भी तरीके की असफलता को आपको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक लर्निंग लेसन लेना है और नेक्स्ट टास्क के लिए आपको पॉजिटिव होकर काम करना चाहिए। वैल्यू टाइम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है सेल्स एग्जीक्यूटिव की। अगर इसमें हम, यानी कि सेल्स प्रोफेशनल कहीं भी अगर लैक कर गया तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पीपल इन सेल्स मस्ट वैल्यू टाइम। अगर सेल्स में आप हैं तो आपके लिए टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपने इसमें कहीं कुछ 19-20 किया तो सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बहुत कम है। बीइंग लेट फॉर मीटिंग्स क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के साथ अगर आपकी मीटिंग और आप वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो कस्टमर एक इंप्रेशन क्रिएट करता है कि ये बंदा कैजुअल है, ये अपने काम को लेकर संजीदा नहीं है। इट इज अ सिन टू मेक कस्टमर वेटिंग अनलेस एंड अंटिल देयर इज ए इमरजेंसी। ये एक तरीके का पाप है अगर आप अपने ग्राहक को इंतजार करवा रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ ऐसा हो गया, मिस हैपनिंग हो गया तो एक अलग बात है, अदरवाइज इसे पाप माना गया है सेल्स की फील्ड में। स्टार्ट ए लिटिल अर्ली एंड मेक श्योर यू रीच मीटिंग ऑन टाइम। आपको थोड़ा पहले निकलकर मीटिंग के टाइम पर पहुंचना चाहिए, यानी कि टाइम की बहुत वैल्यू है। वैसे भी जनरली हम जानते हैं कि टाइम की हमेशा से वैल्यू है। टाइम एक ऐसी चीज़ है, एक बार अगर निकल गया तो हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो क्या है, फ्लैक्सीबल। ए सेल्स प्रोफेशनल मस्ट नो हाउ टू चेंज हिज सेल्स पिच एज पर द क्लाइंट। डोंट जस्ट स्टिक टू वन प्लान और वन आइडिया। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एज पर द रिक्वायरमेंट वो चेंज कर सके अपनी सेल्स की पिच को। आप किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पे या पिच पर अगर लेकर चल रहे हैं तो आप उस प्लान या उस आइडिया पर स्टिक नहीं हो सकते, कस्टमर के हिसाब से आपको चेंज करना होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। लर्न टू टेक क्विक डिसीजन एज पर द सिचुएशन। बी एडॉप्टेबल टू चेंजेस। पीपल इन सेल्स शुड नॉट टू रिजिड एंड डिमांडिंग। सेल्स में जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड्स होनी चाहिए। उन्हें सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ों को देखते हुए समझते हुए निर्णय लेना चाहिए और वहाँ से उनको लर्निंग होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से कहें, चेंजेस को लेकर आपके अंदर उसको एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बी ट्रांसपेरेंट। डोंट हाइड थिंग्स फ्रॉम द कस्टमर। ट्रांसपेरेंसी इज एसेंशियल टू अवॉइड प्रॉब्लम लेटर ऑन। कन्वे ओनली व्हाट योर प्रोडक्ट ऑफर्स। क्रिस्टल क्लियर अप्रोच होनी चाहिए। कभी भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के फीचर से, प्राइस से लेके कुछ भी है, आपको अपने कस्टमर से छिपाना नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन छिपाते हैं तो आगे आपको वो दिक्कत दे सकता है और कस्टमर का कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होगा और ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगी। तो सेल्स कॉल में हमेशा आपको ट्रांसपेरेंट अप्रोच लेकर चलनी चाहिए। और अगर मैं लास्ट क्वालिटी की बात करता हूँ तो गुड कम्युनिकेटर। ए सेल्स प्रोफेशनल मस्ट बी ए गुड कम्युनिकेटर फॉर द डिजायर्ड इम्पैक्ट। टेक केयर ऑफ योर पिच एंड टोन। बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस तरीके से अपनी बात को अपने कस्टमर से कह रहे हैं, आपकी पिच क्या है, आपकी टोन क्या है, कितने पॉजिटिव नोट पर, कितने पॉज के साथ, कितने पोलाइट होके और इम्पैक्टफुल आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल होगी अपने कस्टमर को कन्विंस करने की। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।